27 सितंबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत करने का प्रस्ताव रखा। मुझे भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं आज एक और विषय पर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, हम होलिस्टिक हेल्थ केयर की बात करते हैं, हम प्रकृति के साथ जुड़ने की बात करते हैं, हम जब बैक टू बेसिक की बात करते हैं, तब मैं उस विषय पर आज विशेष रूप से आपसे एक बात कहना चाहता हूं। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। यह हम में जागरूकता उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक हो सकता है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। योग की शुरुआत के चिन्ह 5000 साल से भी पहले सिंधु सरस्वती घाटी की सभ्यता में मिलते हैं। पुरातत्ववेत्ताओं को ऐसे उकेरे गए दृश्य, मोहरे और चीजें मिली जिन पर योग जैसी मुद्राएं और अभिवादन आदि मौजूद थे, और जो बाद में मिले पशुपति रुद्र और भगवान शिव के विवरणों से मेल खाते। योग शब्द संस्कृत का है और लगभग 1000 ईसा पूर्व वाले वैदिक काल में आम चलन में आया। ये शब्द युज से निकला है, जिसका मतलब है बांधना, चीजों को एक जगह लाना, संयोजित करना या थामना। योग पूरे भारत में ही काफी जाना पहचाना था और इसका जिक्र फिर वैदिक ग्रंथों में मिलने लगा, विशेषकर उपनिषद में और उस दौर की बौद्ध और जैन शिक्षाओं में भी। उपनिषदों में चार तरह की योग पद्धतियाँ हैं। मंत्र यानी पवित्र ध्वनियों को बार बार उच्चारण करना, परम शक्ति से संपर्क जिसे लय या भक्ति संबंध कहते हैं, हठ या आंतरिक ऊर्जा को चैनलाइज करना, और राजयोग, इसे ही ध्यान या अष्टांग योग भी कहा गया। दूसरी सदी ईसा पूर्व में योग के संदेशों को एक लिखित ग्रंथ का रूप दिया गया था, जिसे पतंजलि की योग सूत्र कहा जाता है। अब योग के बारे में बताते हैं। योग का मतलब है मस्तिष्क में मौजूद सामग्री में आ रहे परिवर्तनों को स्थिर करना, ताकि व्यक्ति को अपनी सच्ची और वास्तविक स्थिति का अनुमान हो सके। पतंजलि के अनुसार योग का उद्देश्य है भौतिक जगत से जुड़े लगाव पर विजय पाना, ताकि अपनी सच्ची चेतना को प्राप्त किया जा सके। तैत्तरीय उपनिषद के अनुसार व्यक्ति कोशों की 5 सतहों से बनता है, जो एक साथ मिलकर काम करता है। जब ये कोश असंतुलित हो जाते हैं तो फिर इससे उत्पन्न होते हैं रोग, असामंजस्य और स्वास्थ्य में गड़बड़ी। लेकिन जब योग के जरिए इन्हें एक साथ लाया जाता है तो उससे प्राप्त होता है संपूर्ण स्वास्थ्य, ध्यानस्थ मस्तिष्क और विशुद्ध आनंद। कोशों को नियोजित करने और सामंजस्य को बहाल करने के लिए पतंजलि ने योगियों के लिए एक प्रणाली सुझाई, जिसे अष्टांग या 8 अंगों वाला मार्ग कहा जाता है। भारत के लंबे इतिहास के दौरान योग रोजमर्रा की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, और ज्यादातर धर्मों और विचारधाराओं ने अपने अनुष्ठानों और तौर तरीकों में इसकी पद्धतियों का उपयोग किया है। मध्य युग में 2 महान भारतीय अध्यापकों ने योग की पद्धति को पुनर्जीवित किया। 8वीं सदी में आदि शंकरा ने उपनिषदों और योग को फिर से लोकप्रिय बनाया, और नाथ संप्रदाय के गोरक्षनाथ ने भी लगभग इसी समय हठ योग को फिर से बहाल किया। 1890 के दशक से भारत के कई अध्यापक योग को दुनिया के सामने लाए, जैसे कि 1893 में स्वामी विवेकानंद,
जिन्होंने दुनिया का परिचय वेदांत और राजयोग से कराया और 1920 में स्वामी योगानंद ने दुनिया को क्रिया और कुंडलिनी योग से परिचित कराया। स्वामी शिवानंद, स्वामी रमा, स्वामी सच्चिदानंद, स्वामी कुवाल्यानंद, श्री योगेंद्र जी और अन्य महान योगियों ने योग के गहरे पहलुओं का पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार किया। 20वीं सदी के एक बेहद प्रभावशाली योग गुरु थे श्री कृष्णमाचार्य। उनके विद्यार्थी बीकेएस अयंगर, के पत्तिभा जोयस और उनके पुत्र देसिकाचार्य योग के तीन प्रमुख प्रचारक बने और उन्होंने योग को पूरी दुनिया में फैलाने में मदद की। आज योग इन शुरुआती अग्रणी लोगों से कहीं आगे निकल चुका है। श्री श्री रविशंकर, पूज्य स्वामी जी, बाबा रामदेव, स्वामी निरंजन और सदगुरु जग्गी वासुदेव जैसे योग गुरु पूरी दुनिया में क्लासिकल योग की लौ को जलाए हुए हैं। आज विज्ञान और इलाज की मुख्य धारा भी योग के फायदों को समझ रहे हैं। भारत में योग की स्वस्थ करने की शक्तियों के बारे में लोग हजारों साल से जानते हैं और आयुर्वेद के साथ मिलकर ये भारत में बीमारियों को रोकने, चेतनता को और बढ़ाने तथा तंदुरुस्ती को ठीक रखने के सिलसिले में बेहद महत्वपूर्ण रहा है। साथ ही ये योगी को स्वतंत्रता भी देता है और सामंजस्यपूर्ण हो जाए। योग करने वाले लोग कहीं ज्यादा चेतन उपभोक्ता, बेहतर इंसान, पर्यावरण के प्रति ज्यादा जागरूक और अच्छे नेता बन जाते हैं। यही योग की शक्ति है और ये केवल दुनिया का कल्याण ही कर सकता है। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव पास करके 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर दिया। 177 देशों ने इस प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया है। संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में ये एक कीर्तिमान है।